इन्फ्लेशन। इस शब्द को आपको बहुत जल्द अपनी डिक्शनरी में खोजने की आवश्यकता पड़ सकती है। देश की आर्थिक मंदी की हालत देखते हुए यह शब्द आपके लिए बहुत आवश्यक बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टुडे और मैं हूँ यमुना ज्योति। जी हाँ, भारत पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी की हालत में है। देश की GDP 5.8% से घट के 5% पे रुक गई है। इसी बीच मोदी सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ पाया है। इसी बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने ट्वीट कर सरकार से ये दरख्वास्त की है कि वह देश के आर्थिक हालात को राजनीति से दूर रखें। इस मंदी का असर हर क्षेत्र पर पड़ा है, लेकिन देश के धड़कन माने जाने वाले क्षेत्र ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इसका सबसे ज्यादा असर है। लगभग 10 लाख लोगों की नौकरियां संकट में है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने वाली है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इससे देश की आर्थिक स्थिति किस तरीके से ठीक कर पाती है। और सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत सरकार देश की आर्थिक मंदी की हालत को ठीक कर पाएगी। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नव भारत टुडे।